तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल मानी जाती है कंसेप्ट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कुछ याद करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, उस एलिमेंट के सारे के सिंबल पता होना चाहिए। मतलब 1 से लेकर 30 तक आप एलिमेंट के सिंबल याद कर लीजिए, उनका एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि होता क्या कि जब हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी और सिंबल्स भी पता होना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी लिखा है 1 से लेकर 30 तक। आप 1 से लेकर 30 तक क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से देख के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के, उनके सिंबल्स भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये याद होंगे तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना हमारी, वो किससे मिलती हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज का वीडियो। तो दोस्तों होता क्या है कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले पता चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं, 4 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से सब शेल्स हैं वो, एक होता है हमारे पास एस, एक होता है पी और एक होता है डी और एक होता है एफ। ये हमारे पास 4 क्या होते हैं शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ। अब होता क्या है, इन शेल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास देखिए, और एस में क्या होता है, एस में हमारे पास क्या, एक ऑर्बिटल क्या होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एस, ठीक है। अगर हम बात करें पी की, तो पी सबशेल में हमारे पास क्या है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने का मतलब है 3 डब्बे होंगे ऐसे, ये 3 क्या हमारे ऑर्बिटल्स, ठीक है। एस में, एस सबशेल में हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, हमारे पास 4 मतलब सबशेल होते हैं एस पी डी एंड एफ, और इन चारों सबशेल्स के अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस में हमारे पास क्या, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पी में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये डी का बात हो गई। अगर हम एफ पे आए, एफ सबशेल में हमारे पास क्या है, 7 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इस सबशेल में अंदर प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये ना फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है सबशेल्स और ऑर्बिटल्स का। जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करना है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 जो है शेल्स या सबशेल्स जो भी कह रहे होते हैं, कौन कौन से है, एस पी डी एंड एफ। हमारे पास एस पी डी एफ 4 तरह के क्या होते हैं, हमारे पास सबशेल्स होते हैं। अब होता क्या है कि एस के अंदर क्या, एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, डी के अंदर क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और एफ शेल के अंदर क्या होता है, 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कि जो अगर एक ऑर्बिटल है, हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्बिटल है वो अपने अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, मतलब अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जगह दे सकता है। इसका मतलब अगर हम बात करें ऐसे ऑर्बिटल की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑर्बिटल में आएंगे, इसका मतलब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डोनेट करते हैं, इस साइन से डोनेट करते हैं, मतलब ऐसे, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए क्या कर देते हैं, ऐसे एक सीधा एरो बना देते हैं और एक ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट। इसका मतलब अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका मतलब कि हमारे एस ऑर्बिटल, एस सबशेल में कितने, एस सबशेल के जो ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी तरह अगर हम बात करें उसमें पी में, अगर पी में बात करें तो 1 इधर फिल किया, 2 3, अब क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब अभी जगह खाली है, फिर से क्या होगा, 1 2 3, ये हमारे पास इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। इसका मतलब हम एस में मैक्सिमम क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं एस और एस ग्रुप में, या फिर एस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। अब इसकी बात करें, अगर इसमें 5 हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स, अगर 5 ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हर ऑर्बिटल में, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
मतलब मैं थोड़ा टाइट लिखा है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उससे अगर हम एफ ग्रुप की बात करें, एफ ऑर्बिटल की बात करें, एफ सबशेल की बात करें, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्लियर होनी चाहिए चीज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबशेल आता है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या, चार तरह के सबशेल आते हैं, एस पी डी एंड एफ। चार तरह के हमारे पास क्या आते हैं, सबशेल, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। अब इन सब होता क्या, इसमें जो उनकी ऑर्बिट, एस में क्या होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी की बात करें तो पी सबशेल में हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और तीन ऑर्बिटल्स को प्रेजेंट है तो उसमें हर में दो दो इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम भी 6 आएंगे। उस तरह डी की बात करें तो डी में हमारे पास मैक्सिमम कितने आते हैं, 10 आते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये होता है मतलब हर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम आ सकते हैं। उस तरह एफ ब्लॉक की बात करें, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिक है कि कैसे कैसे होता है। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन चीज के ऊपर जो कि सीरीज वाइज लिखते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सबसे पहला क्या होता है, हमारे पास एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। सबसे कम एनर्जी जो है, एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे कम एनर्जी जो होती है वो एस सबशेल की, उसके बाद पी की, फिर डी आता है हमारे पास, और फिर हमारे पास कौन सा आता है, मतलब क्या एनर्जी का वो डिफरेंस, सबसे कम एनर्जी एस सबशेल की होती है, फिर पी सबशेल की उससे ज्यादा एनर्जी होती है, डी की पी से भी ज्यादा एनर्जी होती है, और एफ से क्या डी से भी ज्यादा एनर्जी होती है। सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि हमारे पास चार सबशेल होते हैं, एस पी डी और एफ। एस में क्या दो इलेक्ट्रॉन स्पूट होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन स्पूट होते हैं क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन स्पूट होते हैं क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन स्पूट होते हैं क्योंकि इसमें क्या कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कोई जनरल कंसेप्ट है एस पी डी एफ, मतलब हमें पता क्या लगा, जब भी एस होगा उसमें 2 पुट होंगे इलेक्ट्रॉन, पी होगा उसमें 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, दोस्तों हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उसके लिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये सीरीज याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आपको ये याद हो गए तो समझ लिए कि आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे बिल्कुल सिंपली समझ आ जाएगी। एक तो आपको एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं और एक ये सीरीज याद करनी है, और बाकी मैंने एस पी डी एफ जो आपको बताया वो तो बहुत सिंपल काम है। दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमें ये सीरीज को याद करना होगा, 1s2, 2s2, 2p, 3s3p, 1s2s2p, 3s3p, 4s3d4p, 5s4d5p, 6s4f5d, 6p, 7s6f6d7p। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम यहाँ तक भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आगे ज़्यादा एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आता नहीं है। बट हमारे पास अगर इस अगर आप सीरीज को याद कर लिया आपने, 1s2s2p, 3s3p, 4s3d4p, 5s4d5p, 6s4f5d, 6p, 7s6f6d7p, अगर आपको ये सीरीज याद हो गई तो समझिए कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब इसको याद करने का तरीका तो नहीं है कोई, अगर रट्टा मार इसे रट्टा मार को तो मार सकते हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिए 1s2s2p 3s3p। अगर आपको ये सीरीज याद होगी ना एक बार, यहाँ तक याद करिए बहुत है, तो समझ लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही कैसे हैं। जैसे कि अब हमारे पास कोई एलिमेंट दे दिया उसने, हमें मान लीजिए कार्बन एलिमेंट दे दिया, ठीक है ना, हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन लिख लेते हैं सबसे पहले, कार्बन इसका सिंबल हमारे पास कौन सा था, सी, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, 6 होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, 6 इसका क्या एटॉमिक नंबर है, मैंने आपको पहले कहा था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होना ही चाहिए तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो 6 है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, हम यहाँ से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, 1s से। अगर हम इसका 6 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, इसका मतलब कार्बन के अंदर क्या है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे मेरे पास क्या 1s, अब यहाँ से शुरू करना था, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू से शुरू करनी होती है 1s। अब 1s लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना, अब मैंने क्या किया 1s लिख दिया एज इट इज। अब 1s मुझे पता है कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, s सबशेल में हमारे पास क्या था, एक ऑर्बिटल था, एक डब्बा बनाया था हमने,
उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें पुट कर देंगे, हमें कितने चाहिए 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। अब पुट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सीके और स्केयर के रूप में 2 डाल देंगे, ठीक है। 1s2 हो गया, समझ में आया। हमारे पास कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन शुरू करेंगे यहाँ से, 1s2 हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी हैं। अब मैं बात करूँ 2s में, 2s भी एज इट इज एस ऑर्बिटल लिया, और एस ऑर्बिटल में फिर से आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स फिर से मैक्सिमम आएंगे। इसका मतलब फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 लिख दूंगा, 1s2 2s2, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, यहाँ पे मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास कितने रहे, 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, क्योंकि 6 टॉपिक नंबर है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। अब मैं तीसरे पे आया था, इसका नाम है 2p। अच्छा, मैं 2p लिखूंगा। अब आपको होगा कि यार इसमें क्या है कि हमारे पास 2p पी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। बट मुझे जरूरत कितने की है, मुझे जरूरत है 6 की, टोटल मेरे पास कितनी है, 2 और चाहिए, 1s2 2s2 2p। अगर मैं यहाँ पे 2p2 लिखूंगा, फिर मेरे पास क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 6, टोटल सम कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, कार्बन। इसका मतलब अगर हम कार्बन की कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p2। अब आपको होगा कि आपने कहा था कि p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, ये हम मैक्सिममली इतने फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें चाहिए कितने, 6 पूरे करने, हमने 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ, 4 हो गए, उसके आगे 2p आता है, 2p में अगर मैं यहाँ पे क्या 6 फिल कर देता, 1 2 3 4 4 और 6 10, फिर तो मेरे पास किसकी वो बन जानी थी, फिर मेरे पास एक नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी जानी थी। मतलब क्या है कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, पर उससे कम भी पुट कर सकते हैं, हमें अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलना है। अगर यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की 7 एटॉमिक नंबर है, फिर से शुरू करेंगे 1s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, फिर आगे आएगा 2s 2s में कितने पुट करेंगे, 2 2 और 2 4 हो गए। अब मेरे कितने रह गए, 4 और 3, फिर 7 बनेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मुझे 7 पूरे करने हैं, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, 2p में क्या करूँगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स पुट करूँगा, 1s2 2s2 2p 3, और मेरे पास पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की। हुआ क्या, 1s ऑर्बिटल में मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 2s ऑर्बिटल में भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और अगर मैं बात करूँ p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल हमारे पास 3 होते हैं, इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए। यही फ्रेंड्स हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। बस आपको याद क्या करना होगा, ये पूरा पैटर्न आपको याद होना चाहिए, 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4s5d6p, ये अगर आपने पैटर्न याद कर लिया तो आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप समझाता हूँ आपको। अब यदि कार्बन की लिखी, अब मैं आता हूँ कुछ हायर एलिमेंट, जैसे मेरे पास आ जाता है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का सिंबल हमारे पास Al होता है, हमें पता है, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 13। एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, एटॉमिक नंबर हमारे पास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का, हम यहाँ पे लिख लेंगे 13, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमें पीछे से शुरू करना होता है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका क्या मतलब है, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे, 13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे एल्यूमिनियम की, सबसे पहले 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, हमें 13 पूरे करने हैं, 2s2 उसके आगे हमारे पास क्या, 2p 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 6 और 2 8 और 2 क्या हो गया हमारे पास, 10। ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1s2 2s2p, उसके आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, इसलिए मैं क्या लूंगा, 3s का क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हुए कितने मेरे पास, 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1s2s2p3s के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 3p आ रहा है। अब 3p में मेरे पास, मुझे पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूँ, बट मुझे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 13 पूरे करने के लिए, इसलिए मैं वहाँ पे 1 करूँगा, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स और फिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे अब क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गई है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन चुकी है, मतलब 1s2 2s2 2p6, ये हमारे पास 10 हो गए, 3s2 3p1।
और यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 13 उसकी इलेक्ट्रॉनिकेशन बन चुकी है सिंपली। हमने करना क्या, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। हमें ये पता चाहिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं मैक्सिमम, और एफ में 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल होते हैं। ऐसे ही हम किसी भी एलिमेंट की पता कर सकते हैं हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर अब मैंने जैसे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी, ठीक है ना, ये बहुत ही लंबी है, तो अगर बताऊँ अगर आपको, तो होता क्या कि हमारे जो मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास कुछ क्या होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स भी होते हैं। नोबल गैस एलिमेंट्स का मतलब जैसे हमारे पास दो एटॉमिक नंबर मार्कर्स किसका होता है, हीलियम का, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पता है 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है हमारे पास, नियम का। उसके बाद हमारे पास होता है 18 एटॉमिक नंबर हमारे पास किसका आता है, आर्गन का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 35 इसका एटॉमिक सिंबल क्या आता है, क्रिप्टन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स है, आगे भी 2-3 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन भी होता है एक हमारे पास, 54 होता है शायद उसका, हाँ 54 होता है इसका हमारे पास सिंबल होता है ज़ीनोन, और एक हमारे पास रिडोन होता है इसका, मुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ क्या होते हैं, हमारे पास नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से याद रख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन, यहाँ तक ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 35 होता है, और ज़ीनोन का कितना रहता है, 54। अब अगर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, होता क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास क्या है, जैसे मैं कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ कैल्शियम की, नहीं क्लोरीन की लिखते हैं, क्लोरीन की अगर मैं कॉन्फिगरेशन लिखूँ, क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन लिखूंगा क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 17, क्लोरीन का क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, इसका मतलब हमें इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, और हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे 3s2, 12 हो गए, 3p5। अब आप काउंट करो, अब आप कहोगे यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे 6 लिखता तो मेरे पास अर्गन बन जाता, मतलब फिर मेरे पास क्या होता है, देखो 1s2, 2s2, 2p6 कितने हुए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये मेरे पास क्या हो गया, कितने मतलब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, 17 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है, क्लोरीन के पूरे हो गए। अगर हम बात करूँ 1s2, 2s2, 2p6, तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया किसका होता है, नियॉन का। तो हम क्या करेंगे, अब इतनी लंबी लिखने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 हमें पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या 10, हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, सिंपली नियॉन लिख देंगे, आप इसका सिंबल लिख देंगे, जो हमारे पास नोबल गैस है, जो भी हमारे पास नोबल गैस है उसके पीछे वाले जो होता है उसको हम सीधे डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे ये नियॉन, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 10 लिख देंगे, आगे फिर हम लिखेंगे 3s2, 3p5, ठीक है ना। ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाएगी। मतलब हमें इतना लंबा लिखने की, जहाँ जहाँ तक हमारे पास नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन बन रही है वहाँ पे हम सिंपल नोबल गैस का अगर सिंपल ही लिख दें तब भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो सही होगी, ठीक है ना। जैसे अब हम आपको बताता हूँ, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आर्गन का ही, किसका एग्जाम्पल है, अब हम बोरोन का एग्जाम्पल लेते हैं, बोरोन। अब फ्रेंड्स अगर बात करूँ बोरोन की कॉन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या, 5। अब इसमें बढ़ने लगेगी क्या, हमारे पास 1s2, 2s2, 2p1। 1 क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर कम पड़ रहे हैं तो अगला सबशेल उठा लेना, अगर ज़्यादा पड़ रहे हैं तो उसमें से कम फिल करने हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हमारे पास ये किसकी कंफिगरेशन है, बोरोन की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1s2, तो 1s2 किसकी कंफिगरेशन है, 2 एटॉमिक नंबर किसका है, हमारे पास हीलियम का है, इसलिए मैं इसकी जगह सीधा क्या लिखूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हीलियम डाल दूंगा, उसके पैरों में उसका एटॉमिक नंबर, उसके आगे मैं लिखूंगा 2s2, 2p1। इसका मतलब ये मेरे पास भी क्या हो जाएगी, मतलब बोरोन की क्या होगी, कॉन्फिगरेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। ये मेरे पास था, ये था हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना आ ही गया होगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, तो यार नीचे अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर अपनी चप्पलें उतारिए और घंटी बजा कर आ जाइए हमारे चैनल के अंदर, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बस आपको करना क्या है कि ये सीरीज को पूरी तरह याद कर लेना एक बार। अगर आपको ये सीरीज याद हो गई वो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हुआ तो बस, और ये पता होना चाहिए कि एस में हमारे पास दो पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये अगर आपको पता चल गया तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।